आज हम जर्मन के पोजेसिव ऑब्जेक्टिव सीखते हैं। तो पोजेसिव ऑब्जेक्टिव का पहले हम मीनिंग देखते हैं कि पोजेसिव ऑब्जेक्टिव होता क्या है, जो हमें पोजेशन के बारे में बताता है। ठीक है, पोजेशन मतलब चीज किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ, सब्जेक्ट का नाम का मीनिंग मैंने बताया था कि जो एक्शन करे उसको कहते हैं सब्जेक्ट, जो एक्शन करता है। सासा इसके मीनिंग दिए हुए हैं, सब्जेक्ट का नाम मतलब जो एक्शन करता है। इश का मतलब होता है मैं, तो अगर हमने मेरा कहना है, माय कहना है, इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही है माय, एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास सिक्स ऑप्शन है, छह ऑप्शन है, तीन सिंगुलर में है, तीन प्लूरल में। इसके लिए भी अगर आगे हमें नाउन देखना पड़ेगा, नाउन मैस्कुलिन है तो आप कह दो जैसे फ्रेंड है, आपने कहना मेरा दोस्त, माय फ्रेंड कहना तो क्या करोगे, माय फ्रेंड। न्यूट्रल में भी सेम ही रहता है, न्यूट्रल वाले अभी हम किए थे टेस्ट वाले वर्ड्स, जो न्यूट्रल वाले वर्ड्स होते हैं। बुक क्या है, न्यूट्रल नाउन है। हमें नाउन का पहले जेंडर पता होना चाहिए, फिर ही आपको जैसे ऑब्जेक्टिव लगा सकते। डेयर वाले वर्ड्स थे मैस्कुलिन वाले, वहां पर हम माइंड लगाए, माइंड फ्रॉन्ट। न्यूट्रल वाले माइंड बुक, मेरी पुस्तक, माय बुक। अच्छा, फेमिनिन वाले नाउन्स होते हैं उनके साथ क्या लगेगा, की लग जाएगा, माइनर, माइनर ब्लूमर, माय फ्लावर। तो इंग्लिश में तो माय ही रहा, बट यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए। दो तो चलो सेम है, मैस्कुलिन और न्यूट्रल सेम ही होते हैं, उन्हें कोई चेंज नहीं होता। फेमिनिन में एक्स्ट्रा की लगा दी, इसका मतलब नाउन का हमें जेंडर देखना होगा। ब्लूमा मतलब फ्लावर, अगर हम कहते हैं सपोज करो कोई और फेमिनिन नाउन बताए मुझे, फेमिनिन नाउन बी का कोई नाउन बताए, देखते सारे यूज करेंगे। ये देखते के डी स्ट्रक्चर होता है, देखते डी स्ट्रक्चर होता है सिस्टर, तो यहाँ पे भी हम इसको माइनर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कोई भी नाम हो, जो थोड़ा भी ये बुक में लिखा है तो हमने यही करना है, आपको भी नाम और ले सकते हैं। अब माइनर स्ट्रक्चर, मेरी माय सिस्टर, अभी तो मैं इस बुक से इसलिए करा रही हूँ कि ये जनरल हम सीख रहे हैं, फिर आपने और बनाना है तो आप खुद भी बना सकते हैं आगे से। माइनर स्ट्रक्चर, मेरी बहन। अच्छा, ब्रूडर क्या होता है, मैस्कुलिन की फेमिनिन होता है ब्रूडर, डेयर होता है कि डी होता है, ब्रूडर, ब्रूडर का आर्टिकल क्या होता है, डेयर। तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इसको माइन ब्रूडर के, हम माइनर ही कैसे, माइन ब्रू। इसका मैं एक एग्जांपल ही देती हूँ, फिर आप आगे फर्दर और भी कोई नाउंस लेके बना सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे आगे फ्यूचर में तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी हम इसके कुछ एक और थ्री नाउंस ले लेते हैं जो हमें पता है। तो पहले डेयर का अपन नाउन ले लेते हैं, डेयर ब्रूडर, फिर हम पता है डेयर का, तो माइंड ब्रूडर कह देंगे, मेरा भाई। डी का हमने भी बताया था, डी स्ट्रक्चर, मेरी बहन कहना होगा तो माइनर स्ट्रक्चर। ऐसे कोई भी और नाउन्स लेके बन सकते हैं, तो अभी एक एग्जांपल दिया, दस के साथ कौन सा नाउन यूज, दस बुक, मेरी किताब, माइन बुक, ऐसे बनाना। हमें क्या चीज देख रहे हैं अब, हमने जब पोजेसिव ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव मतलब, पोजेसिव मतलब मेरा, मेरा भाई है, तुम्हारा नहीं, मेरा भाई, पोजेशन शो कर रहा है किसकी चीज है, मेरी है। तो हमने जब माइंड चूज करने लगे हैं तो क्या चीज देखी हमने, ब्रूडर का आर्टिकल देखा, भाई ब्रूडर क्या है, मैस्कुलिन है, तभी हमने माइंड लगाया, ये माइनर नहीं लगाया, माइंड लगाया। इसी तरह डी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, आर्टिकल देखा, कि इसलिए जर्मन में आर्टिकल्स का आना, जेंडर का पता होना बहुत जरूरी है, आगे फर्दर इसमें हेल्प मिलती है। कोई भी नाउन सीखो उसका सबसे पहले आप उसका आर्टिकल देखो, भी आर्टिकल क्या आएगा, जेंडर क्या, उसका फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है कि न्यूट्रल है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंग्लिश में देखते हम कि सिस्टर फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है,
कहते हैं माय सिस्टर, माय का माय की रद्द चाहिए प्लीज वेस्टर, तो माइनस वेस्टर। अच्छा तो न्यूटर, जितने भी न्यूटर नाउन है, ये तो मैंने एक एक एग्जांपल दिया, तो और भी बहुत सारे होंगे। जस्ट बुक के साथ आपका कहोगे मेरी पुस्तक, माय बुक। ये आपको एक एग्जांपल दे दिया हमने सिंगल, अभी हमने सिंगल का दिया। प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल का जो चैप्टर आपने भी किया हुआ चैप्टर, तो प्लूरल में क्या होता है कि वो नाउन भी बदलता है साथ। जब प्लूरल में सब में माइना आता है, माय माइना, माइना फ्रेंड, माय फ्रेंड्स, माइना बुक का प्लूरल जो होता है ब्यूशर हो जाता है, माइना ब्यूशर। और फैमिली में भी माइना, ब्लूमर का प्लूरल ब्लूमन। ये हमने अगर प्लूरल का चैप्टर किया हुआ तो फिर इजी हो जाएगा, ये नाउन भी बदल जाएगा। इंग्लिश में भी तो ऐसा सारा देखो, माय फ्रेंड्स, माय बुक्स, माय फ्रेंड्स, नाउन का प्लूरल साथ में होगा। अगर नाउन का चैप्टर क्या होगा तो आसानी हो जाएगी। आपने तो क्या हुआ है, मैस्कुलिन में तो आपको पता है ई लग जाता है, मैस्कुलिन नाउन में ई लग जाता है। अच्छा जो फेमिनिन नाउन होते हैं ई के साथ एन लग जाता है, क्या हुआ है। और बुक का प्लूरल, ये कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिनका कोई रूल नहीं, जिसको कह सकते हैं हम कोई याद ही करना पड़ेगा, बुक का विषय होता है। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, डू, डू मतलब तुम, यू। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब आप किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो इसको यूज करोगे, फ्रेंड हो सकता है, कोई चाइल्ड हो सकता है, बच्चे के साथ बात कर रहे हो तो हम डू का यूज करते हैं। अब हमने तुम्हारा कहना है, योर कहना है, डाइन लगाएंगे दोनों, डाइन पॉइंट, डाइन बुक। फैमिली भी क्या हो जाएगा, डाइना ही लग जाएगा, डाइना ब्लू। योर क्लास, डाइन पॉइंट, डाइन बुक, डाइना ब्लू। डाइन पॉइंट का मतलब हो गया योर फ्रेंड, डाइन बुक का मतलब हो गया योर बुक, डाइना ब्लूमा का मतलब हो गया योर क्लास। अच्छा प्लूरल में तीनों के साथ ही लग जाएगा, डाइना पॉइंट, डाइना फाइंड, फिर ई लग जाएगा सबके साथ। प्लूरल इजी है, प्लूरल में सेम ही रहता है, डाइना फाइंड योर फ्रेंड्स तुम्हारे मित्र, डाइना ब्यूशर योर बुक्स तुम्हारी पुस्तकें, डाइना ब्लूमन योर फ्लावर्स तुम्हारे फूल। इंग्लिश में देखो सिक्स के सारे सेम ही रहे, योर ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास सिक्स ऑप्शन है, ऊपर के जो है सिंगलर के हैं एक बच्चों के, और नीचे के प्लूरल के, मतलब बस ऐसे ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमें दो चीजों की चीजें पता होना चाहिए। पहले तो नाउन का जेंडर पता होना चाहिए, मैस्कुलिन है तो डाइन लगा दिया। दूसरा नाउन का ये भी पता होना चाहिए, वो नाउन का सिंगुलर है कि प्लूरल है, दो चीजें पता होनी चाहिए अगर आपने पोजेसिव ऑब्जेक्टिव सही लगाना है। दो चीजें पता होंगी तभी सही लगेगी, ठीक है। फर्स्ट में चीज है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे दिया भी हुआ है बुक में, आगे नोट में दिया हुआ ये पॉइंट। जब भी आपने पोजेसिव ऑब्जेक्टिव चूज करना है, सबसे पहले हमें नाउन का जेंडर पता होना चाहिए, फर्स्ट चीज। अगर पोजेसिव ऑब्जेक्टिव सही चुनना चाहते हो, नाउन का जेंडर, जैसे फादर है, फादर का पहले मुझे जेंडर पता होना चाहिए। दूसरा उसका नंबर भी पता होना चाहिए, नंबर, कि वो सिंगुलर है, एक पिता की बात कर रही हूँ कि मैं एक से ज्यादा की बात कर रही हूँ। दो चीजें पता होंगी तभी हम सही पोजेसिव ऑब्जेक्टिव लगा सकते, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ माय फादर का माइन फादर, माय मदर का माइनर मदर, माय चिल्ड्रन का ये प्लूरल है माइनर पिटर, किंडर बहुवचन है तो किंडर। जैसे आगे स्पेक किया कि फादर जो है वो मैस्कुलिन नाउन है, इसलिए जर्मन में सिर्फ मैस्कुलिन पोजेसिव ऑब्जेक्टिव लग सकता है, बस मैस्कुलिन लगाएंगे और कोई नहीं लग सकता। मतलब माइन और डाइन आगे आगे जो भी आएंगे वो लग सकते हैं, हमने दो किए माइन और डाइन ये लग सकते। आगे बढ़ते हैं, इसका
चार्ट कर रहे थे, आप नेक्स्ट टाइम करेंगे? टेयर, टेयर मतलब ही, एस मतलब हिट, तो कहना उसका मित्र, जाइन फ्रॉइड, उसका मित्र, हिज फ्रेंड, उसकी बुक, उसकी पुस्तक जाइन बुक, उसका प्लांट जाइन ऑफ रोमा, रोमा फैमिली का तो ही लगा, हिज प्लांट, उसका बुक जाइन बुक। ये बुक बहुत इजी है, ये है जनता जर्मन इन टू मंथ्स, भाई कौन सी है, सॉरी एजेंडा जर्मन इन 1 मंथ है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जिसके पास नहीं है तो इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका हमने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको मिल जाएगी उसमें। एजेंडा जर्मन इन 1 मंथ। जाइन फ्रॉइड हिज फ्रेंड, जाइन बुक किसको, जाइना ब्लूमा हिज क्लास, प्लूरल में आ जाते हैं, प्लूरल में तीनों में जाइना ही आएगा, जाइना फ्रॉइड हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, जाइना बिशर हिज बुक्स उसके पुस्तकें। अगर आप किसकी बात करें, लड़के की बात करें, तो ये जाने जाइना ब्लूमा मतलब उस लड़के के फ्लावर्स, हिज क्लास उसके। नेक्स्ट है जी, जी का मतलब होता है शी। अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में कह रहे हैं, हर फ्रेंड लड़की का मित्र, क्या कहेंगे, डियर फ्रेंड, हर फ्रेंड नीचे मीनिंग दिया हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं, डियर फ्रेंड, डियर बुक हर बुक, कीड़ा ब्लूमा हर फ्लावर, हाँ ब्लूमा के साथ ई लग जाएगा, हर फ्लावर का मतलब कीड़ा ब्लूमा का मतलब हर फ्लावर, किसका फ्लावर की बात, किसी लड़की के फ्लावर की बात हो रही। ऊपर क्या था, ऊपर जाइना था, जाइना ब्लूमा का मतलब है किसी लड़की के फ्लावर की बात हो रही। नीचे प्लूरल करो, अगर आपके दोस्त ज्यादा हैं उस लड़की के दोस्त ज्यादा हैं, कीड़ा फाइंडर हर फ्रेंड्स, कीड़ा ब्यूशर हर बुक्स उसकी पुस्तकें, कीड़ा ब्लूमन हर फ्लावर उसके फूल। तो ये इजी, ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ऊपर ये जर्मन में दिया है, नीचे उच्चारण दिया है, इसके आगे इंग्लिश दे दी, फिर आगे उसका हिंदी में मीनिंग दे दिए, तो आसान है, डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम देखते हैं, डियर, डियर मतलब हम, तो हमारा मित्र हमारा दोस्त, इसके लिए हम लगाते हैं उन्जर, उन्जर पॉइंट आर फ्रेंड हमारा मित्र, उन्जर बुक आर बुक हमारी पुस्तक, हाँ प्लूरल में क्या होगा, ही लग जाएगा, उन्जर ब्लूमा आर फ्लावर हमारा फूल। अच्छा उन्जर जो है कौन होगा, लड़का कह रहा है कि लड़की कह रही है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमारे में नहीं पता चला कौन है, लड़के भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं कॉन्सलर फाइंडर आर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स कॉन्सलर फाइंडर, कॉन्सलर व्यूशर आर बुक्स हमारी पुस्तकें, कॉन्सलर ब्लूमन आर फ्लावर्स हमारे फूल। ये आपको याद करने को धीरे धीरे जितना भी आपको याद हो, डेली आपको बाना मॉर्निंग में या बाना इवनिंग में किसी ने कहा देख। नेक्स्ट आगे सब्जेक्ट का नाम भी आपने किया हुआ आप होता है ईयर, ईयर का क्या मतलब है, ईयर का मतलब है तुम होता है, बट ये कह रहा है कि फॉर्म ऑफ प्लूरल, जब आप एक ही एक से ज्यादा फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स हो गए या दो बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आप ईयर का यूज करते हैं, ईयर का मतलब क्या होता है तुम, और हमने किया था डू, उसका मतलब भी तुम ही होता है डू, बट वो एक के लिए होता है, आप एक फ्रेंड एक बच्ची से बात कर रहे हैं तो है यू तुम, एक ही फ्रेंड है, एक ही बच्ची से बात कर रहे हो तो डू, एक ही फ्रेंड है, एक से ज्यादा आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप तुम कहना चाहते हो, फिर आप हियर का यूज करोगे, तो यहाँ लिखा है कि फॉर्म ऑफ प्लूरल,
अब दो फ्रेंड्स आपके खड़े हैं, आप उनको कहते थे तुम्हारा मित्र, तुम दोनों का, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये फायर, फायर पॉइंट योर फ्रेंड, फायर बुक योर बुक, फायर, हाँ ये थोड़ा चेंज हो जाएंगे स्पेलिंग, फायर यू आर, फायर बुक योर फ्रेंड, ये बात किसे कर रही, फायर बुक मतलब मैं आप दोनों को कह रही हूँ स्पेस के लिए, तो मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ, मतलब क्या मैंने बोला आपका फ्रेंड हो या आपसे नोन हो, आपके हाथ में से आप किसको तुम कहना चाहते हो, आप दोनों से कह रही हूँ, तो मैं कहूँगी फायर बुक तुम्हारी बुक, और अगर इनको कह रही हूँ एक कोई कह रही एक कैंट एक कोई कह रही हूँ तो मैं डाइन बुक कर रही हूँ तुम्हारी, एक किसको कह रही हूँ, बराबर हूँ डाइन, ये फर्क है दोनों, लाइन बुक का मतलब हमें एक एक व्यक्ति से वन पर्सन से बात कर रही हूँ, इनसे कर रही हूँ बस लाइन बुक, और एक से ज्यादा है दो है जिसको आप जानते हो उसको भी हम तुम ही कहते हैं, तुम या तुम्हारा, फिर मैं आप दोनों को कहूंगी जैसे तुम कहना होगी तुम्हारे कुछ को और भी तुम, ओके प्लूरल, प्लूरल कर लेते हैं, प्लूरल में वही सेम फॉर्म आती है जो फैमिली में आती है, और फ्रेंड योर फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्त, और अब यूशुअल योर बुक्स, और अब लोमन योर प्लांट्स, ये सेम फॉर्म है जो फैमिली थी, ओके आगे कर लेते हैं जी, जी का मतलब तो हमने शी किया था पर दे भी हो सकता है उसका वे, अगर हमने कहना है उनका मित्र देयर कहना तो कैसे कहेंगे, हियर ऊपर हमने किया था हर भी हो सकता है इसका मतलब, पढ़ाया था ना हर, इसका मतलब हर भी हो सकता है और इसका मतलब देयर भी हो सकता है, ये तो मतलब जब आप एक्सरसाइज करोगे तब ज्यादा क्लियर होगी, हियर फ्रेंड देयर फ्रेंड उनका बुक, हियर बुक देयर बुक उनकी पुस्तक, हियर फ्लावर देयर फ्लावर उनका फूल, अच्छा हियर फ्रेंड जो है देयर फ्रेंड, देयर में दोनों आ सकते हैं, लड़कों की तो किसी लड़कों की बात भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ बॉयज की भी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स की भी हो सकती है, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स करो वहाँ सामने बॉयज खड़े हैं तो मैं आपको कहूँगी हियर पॉइंट उनका, उनका जो दोस्त है उनका, अगर स्पोर्ट्स करो हाँ वहाँ पे ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो, ग्रुप ऑफ गर्ल्स खड़े हैं स्पोर्ट्स के सामने तो मैं आपको कह सकती हियर पॉइंट उनका मित्र, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब कहना हमने देयर कहना है, प्लूरल में कहना है क्योंकि ज्यादा दोस्त हैं उनको कहेंगे हियर फ्रेंड देयर फ्रेंड्स, हियर क्वेश्चन देयर बुक्स उनकी पुस्तकें, हियर फ्लावर देयर फ्लावर्स, सो ग्रुप ऑफ बॉयज के भी फ्लावर्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स के भी फ्लावर्स हो सकते हैं, सामने ग्रुप ऑफ बॉयज खड़े हैं तो उनकी उनकी पुस्तकें, ग्रुप ऑफ गर्ल्स खड़ी हैं तो उनको कह सकते हो उनकी उनकी पुस्तकें, ये जो देयर यूज हो रहा है दोनों के लिए होगा, ग्रुप ऑफ बॉयज की या ग्रुप ऑफ गर्ल्स प्लूरल की बात हो रही है, लास्ट एक और है क्या जी, एस कैपिटल हो इसका मतलब होता है आप किसी टीचर को कह रहे हो आपसे बड़े हैं पेरेंट्स हैं उनको भी कह सकते हियर फ्रेंड, कि आई कैपिटल होगा ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस क्रिएट करे, हियर फ्रेंड योर फ्रेंड आपका मित्र, हियर बुक योर बुक आपकी पुस्तक, हियर ब्लूमर योर फ्लावर आपका फूल, ये आप किसी टीचर को कह रहे हो, उसको आप किसी टीचर को कह रहे हो हियर बुक आपकी पुस्तक, टीचर जो आपने पेरेंट को कह रहे हो, पिताजी को कह रहे हो, फादर को हियर बुक आपकी पुस्तक रिस्पेक्ट दे रहे हो आप, देन अगर अगर आप कहना चाहते हो प्लूरल में बात करना चाहते हो आपकी जो टीचर है उसके पास बुक्स हैं तो आप उसकी कहोगे भी योर फ्रेंड्स हैं, हियर फाइंड योर फ्रेंड्स, हियर विशर योर बुक्स, हियर ब्लूमर योर क्लास आपको, अच्छा हियर विशर को देख लेते हैं, सपोज कर आपकी टीचर एक है उनको आप कहते हो आपकी पुस्तक,
जो जी की बात अभी हम कर रहे थे, एक व्यक्ति से भी हो जाता है और एक से ज्यादा भी हो जाता है। जैसे अगर दो टीचर्स खड़े हैं तभी आप उनको कह सकते हो कि हीरा भूषण। इसकी ज्यादा डीप में अच्छी प्रैक्टिस करनी हो तो एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज है भी आपको यूज करके करना है। तो हमने रीडिंग करनी बस कर, हमें पता चल गया अभी हियर बुक का मतलब होता है योर बुक। थोड़ा और डीप जाना हो तो फिर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा लगाना है। तो अभी हमने सिर्फ चार्ट दिया था, अभी सिर्फ चार्ट, बहुत इजी चार्ट था, सिंपल। ये भी नाम ये भी आप कर सकते हो कि इसको ऐसा करते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट लास्ट लाइन है, बस ये कर लेते हैं फिनिश। इन ऑर्डर टू चूज द राइट पोजेसिव ऑब्जेक्टिव इन जर्मन यू शुड सी द जेंडर ऑफ द थिंग पोजेस्ड। हाँ, जिसके बारे में बात हो रही है, एंड नॉट द जेंडर ऑफ द पर्सन। हाँ, देखो आप सपोज करो एक लड़का है, वो कहता है कि मेरा दोस्त, आप माई, आप किसका जेंडर देख रहे हो, फ्रॉइड का देख रहे हो कि लड़के का देख रहे हो। वो कहता है, देखा है नॉट, लास्ट में क्या था, दोबारा से लाइन पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर राइट पोजेसिव ऑब्जेक्टिव चुनना है आपको, यू शुड सी द जेंडर ऑफ द थिंग पोजेस्ड, जिसकी बात हो रही है, ना कि जो बात कर रहा है, नॉट द जेंडर ऑफ द पर्सन। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फ्रॉइड की बात हो रही है। तो आप फ्रॉइड का जेंडर देखोगे, मेरा दोस्त, एक लड़का भी फ्रॉइड पॉइंट कहेगा, लड़की भी माइंड पॉइंट होगा। सपोज पर एक लड़की है, वो कहना चाहती है मेरा मित्र, तो वो ई नहीं लगा देगी साथ में, इसका मतलब हम किसका जेंडर देख रहे हैं, किसका जेंडर देख रहे हैं, जिसकी बात हो रही है, ना कि जो बात कर रहा है। तो फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं, एक मेल है, वो कहता है कि मेरा दोस्त, माइंड पॉइंट। जब लड़की कहेगी मेरा दोस्त, वो किसका जेंडर देख रहे हैं, पॉइंट का जेंडर देख रहे हैं। हम जो लड़की अगर कह रही हो ये नहीं, वो साथ में ये नहीं लगा देगी। हम किसका, हम जेंडर किसका देख रहे हैं, जिसके बारे में बात हो, जो बात कर रहा है उसके, उसका जेंडर ही देखेंगे, जिसके बारे में हो। तो इसको अच्छे से, अगर और अच्छे से करना हो तो फिर एक्सरसाइजेस करनी होंगी, क्योंकि एक्सरसाइजेस से और क्लियर होगा कि हम कहाँ पे कोई हमारी कोई माइनर मिस्टेक है, तो अच्छे से और इम्प्रूव हो जाएगी।